और अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लोग बेहाल हैं। एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात है। महाराष्ट्र की बात करें तो 13 टीमें इस वक्त एनडीआरएफ की तैनात है, लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए राहत कार्य में जुटी हुई है। लेकिन महाराष्ट्र में इस वक्त भारी बारिश का प्रकोप है। भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, जहां पर बाढ़ की संभावना जताई जा रही है या ज्यादा बारिश हो रही है। वहां से लोगों को कहा गया है कि उन इलाकों को खाली किया जाए। एनडीआरएफ की टीम जो है वो वहां पर तैनात है। और साथ में तस्वीरें आपको हम महाराष्ट्र से दिखा रहे थे कि कैसे कई जिलों में इस वक्त भारी बारिश का प्रकोप। और तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, एक तरफ महाराष्ट्र जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर गुजरात भी इस वक्त बारिश की मार झेल रहा है। सूरत की तस्वीरें हैं और ये सूरत की तस्वीरें आप देखिए, यहां पर भी किस तरह से भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ गौरव दवे, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। गौरव, मौजूदा परिस्थिति इस वक्त क्या है? शिवांगी, हाल हम माधोपुर और पोरबंदर नेशनल हाईवे पे है, खास करके अरबी समुद्र में जिस तरह लो प्रेशर क्रिएट हुआ है उसको लेके यहाँ पे तेज पवन फूक रहा है। खास करके अगले दो दिन भारी बारिश की संभावना अभी व्यक्त की गई है। खास करके ये जो मौसम विभाग ने पूरी जो अनुमान लगाया है उसमें अरबी समुद्र के अंदर जो दो लो प्रेशर क्रिएट हुए हैं उसको उसकी वजह से पूरा गुजरात नहीं परंतु ये जो सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र के अंदर भारी बारिश ऐसे है जहां पर भारी बारिश का प्रकोप है।